Girls in summer, boys in summer. Hello guys, जैसे बहुत से ब्राउजर होते हैं Google Opera, ऐसे ही ब्राउजर है Mozilla Firefox. ये उसका लोगो है. आप कहेंगे ये तो हमें पता है, पर मैं ये नहीं बताना चाहता. इस लोगो में देखिए ये कौन सा जानवर है. 99% लोग इसे लोमड़ी कहेंगे, क्योंकि ब्राउजर का नेम भी Firefox है. पर ये कोई फॉक्स नहीं है, असलियत में एक रेड पांडा है. चलो मैं ही गूगल पे सर्च करके आपको इसे दिखा देता हूँ. Me before going for a haircut. Me after haircut. Mom, you should have made it shorter. हमारे सोलर सिस्टम के ये ऐसे प्लेनेट हैं जिन पे कोई मून नहीं है. पर ये कौन से हैं और इन पे मून क्यों नहीं है? ये प्लेनेट्स हैं मरकरी और वीनस. हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट पर मून है इनको छोड़कर. पर किसी ग्रह का कोई मून होगा या नहीं ये कैसे जान सकते हैं? किसी भी ग्रह के उसका मून होने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं. फर्स्ट साइज ऑफ द प्लेनेट, सेकंड कोलिजन, थर्ड कोफॉर्मेशन. इनको थोड़ा डीप में जाने का प्रयास करते हैं. किसी ग्रह का कोई मून होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है साइज ऑफ दैट प्लेनेट. यदि वह प्लेनेट बड़ा है तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, तो यदि कोई सेलेस्टियल बॉडी उसके पास में होगी तो वह उसे आसानी से खींच सकता है. और यदि प्लेनेट का साइज कम है तो उस प्लेनेट के उस बॉडी को अपनी तरफ खींचने के चांस कम है. और जो प्लेनेट एस्ट्रॉइड बेल्ट के नजदीक होते हैं उनके मून होने के ज्यादा चांस होते हैं, और जो प्लेनेट सन के नजदीक होगा उसके बिल्कुल कम चांस होंगे. सन उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा. इसी तरह सोलर सिस्टम के इन प्लेनेट जुपिटर सैटर्न को देख सकते हैं कि इनके कितने मून हैं. सेकंड वे कोलिजन से. कोलिजन ये भी मून फॉर्मेशन के एक रिस्पॉन्सिबल होता है. कोलिजन यानी टक्कर से. उस प्लेनेट पे किसी सेलेस्टियल बॉडी के कारण उसका हिस्सा टूटकर उससे अलग हो जाए और उसका चक्कर काटने लग जाए तो उसे मून मिल जाएगा. अर्थ का मून बनने में ये रीजन भी बताया जाता है कोलिजन से. थर्ड वे कोफॉर्मेशन यानी एक साथ बनना. जब किसी ग्रह का निर्माण हो रहा है और यदि उसी समय उसका मून भी बन रहा है और वह प्लेनेट उस मून को अपनी ग्रेविटी से खींच ले. परंतु मरकरी और वीनस ग्रह का मून क्यों नहीं है? फर्स्ट रीजन इन प्लेनेट का साइज. ये प्लेनेट काफी छोटे हैं सन के कंपैरिजन में, तो सन इन प्लेनेट को मून कैप्चर करने का मौका देगा ही नहीं. और जब सूर्य का जन्म हुआ ही था इसके सोलर विंड्स सभी हल्के पदार्थों को अपने साथ ले गई जैसे हाइड्रोजन मीथेन आइस, तो कोफॉर्मेशन का कोई सवाल नहीं है. तो मरकरी और वीनस के कोफॉर्मेशन और साइज के तरीके से तो इनके मून का कोई चांस नहीं था. और कोलिजन का भी तरीके से मून फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि सन कोलिजन का मौका देगा ही नहीं. चलो किसी तरह से मून आ भी गया मरकरी प्लेनेट का तो इसका हिल स्फीयर काफी छोटा है, सन उसे खींच लेगा. वीनस का साइज मरकरी से थोड़ा बड़ा है, पर इसके साथ एक विचित्र घटना होती है. यह प्लेनेट दूसरे प्लेनेट जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या उससे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, और वीनस प्लेनेट अपनी रोटेशन यानी खुद का एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लगाता है जितना कि अपने ऑर्बिट में लगाता है. ये रीजंस वीनस ग्रह के मून को होने के लिए अनस्टेबल बनाते हैं. क्या होगा यदि मून ही गायब हो जाए? राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं. और क्या आप स्पेस में रियली में साउंड सुन सकते हैं?